सिंपल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो किस पे डिपेंड करता है, माइंड पे, कि तुम्हारा माइंड क्वेश्चन को कैसे रीड करता है। इसके लिए है कि तुमको मान लो नहीं पता है, कोई फॉर्मूला पता नहीं है, फिर भी वो सब क्वेश्चन सॉल्व होने वाला था। ये क्वेश्चन है उसी कॉन्सेप्ट पे, ठीक है ना। मतलब इसके बारे में नहीं पता है, सिंपल मैथमेटिक्स आना चाहिए, क्वेश्चन को समझ में आना चाहिए, क्वेश्चन बन जाएगा। ये क्वेश्चन क्या करना चाह रहा है ये सुनो पहले, कि एक वाटर लॉग्ड एरिया ऑफ वर्किंग है जिसमें कितना, अभी मान लो हम जो पिक्चर दिखा रहे थे ना उसी पिक्चर में मान लो वो सम्प है, ये सम्प है, ठीक है ना। इधर क्या लगा दिए हैं, इधर पंप लगा दिए हैं, ये पंप लगा हुआ है, ये पानी को डिस्चार्ज कर रहा है, ठीक है ना। ये सम्प में बोल रहा है कितना पानी है, 72 मिलियन लीटर पानी है इसमें, ठीक है ना। 72 मिलियन लीटर पानी है, और हम लोग क्या कर रहे हैं, एक पंप लगा के है ना, वहां से जो पानी है 3000 लीटर पर मिनट, 3000 लीटर पर मिनट इतना पानी हम लोग यहाँ से ड्रेन कर रहे हैं, ठीक है ना। इतना पानी यहाँ से निकाला जा रहा है 1 मिनट में 3000 लीटर। लेकिन क्या हुआ है, वाटर लॉग्ड वर्किंग मान लो कहीं कुछ सी से कनेक्टेड है कि इधर से पानी इसमें आ ही रहा है, और ये पानी इसमें किस रेट से आ रहा है, 1500 लीटर पर मिनट के रेट से आ रहा है, ठीक है ना। तो इसमें क्या बोल रहा है, कैलकुलेट हाउ मेनी डेज इट विल टेक टू ड्रेन द फ्लडेड वर्किंग, कि ये जो पानी है इसको सुखाने में कितना दिन लगेगा। और क्या बोला है कि 24 घंटा, अगर एक दिन में 24 घंटा जो होता है तो उसमें जो पंप है ना इफेक्टिवली 22 घंटे ही काम कर रहा है। एक दिन में 24 घंटा हो रहा है लेकिन जो पंप है वो 22 घंटे ही काम कर रहा है। तो ये बताना है कि कितने नंबर ऑफ डेज में ये पानी सूख जाएगा, कि इसमें ऑलरेडी पहले से 72 मिलियन लीटर पानी है और पानी इसमें 1500 लीटर पर मिनट के रेट से आ रहा है, और 3000 लीटर पर मिनट के रेट से पानी यहाँ से हम लोग निकाल ले रहे हैं पंपिंग यूज करके। तो कितना दिन लगेगा इस पानी को यहाँ से सुखाने में, कोई फॉर्मूला इसमें नहीं है, सिंपल मैथमेटिक्स है। क्वेश्चन को सॉल्व करो, देखो आंसर यहाँ लिखा हुआ है 40 डेज। 40 डेज अगर आंसर आ जाएगा तो समझेंगे सही है, नहीं आ रहा तो गलत है। अर्पित, सुभाषित, आदित्य, मंजीत, रविशेष। ठीक है, सॉल्व करो, कैसे सॉल्व होगा ये। ठीक है, यहाँ पे तुम लोग सॉल्व करो, बाकी जिसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है, कैसे क्या करना है, तो उसके लिए हम यहाँ पे बता रहे हैं, ठीक है ना। बाकी हमको लगता है सॉल्व सभी से हो जाना चाहिए, कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। मान लो ये 72 मिलियन लीटर पानी है, अब इसके बारे में नहीं सोच रहे हैं हम लोग, क्या 3000 लीटर पर मिनट पानी निकाल रहे हैं और 1500 लीटर पर मिनट पानी इसमें अंदर आ रहा है, मतलब इफेक्टिव ड्रेनिंग कितना हो रहा है। जो इफेक्टिव ड्रेनिंग हो रहा है वो कितना हो रहा है, 1 मिनट में 3000 लीटर, तो 60 मिनट में कितना, 1 घंटा में कितना होगा, 1 मिनट में जब है 3000 लीटर तो 60 मिनट में इतना लीटर, इनटू क्या बोला है, 24 घंटे में पंप 22 घंटे ही काम कर रहा है, मतलब पाइप 22 घंटा तो इफेक्टिवली काम कर रहा है, मतलब एक दिन में इतना पानी हम लोग निकाल रहे हैं, एक दिन में
इतना लीटर पानी हम लोग निकाल रहे हैं, 3000 × 60 × 22 आवर एक दिन में। और एक दिन में कितना पानी आएगा, 1500 लीटर पर मिनट है इंटू 60, मतलब एक घंटे में इतना पानी आएगा। लेकिन पानी तो आ रहा है, कंटिन्यू आ रहा है ना, पानी कंटिन्यू आते जा रहा है, इसके लिए कोई टाइम नहीं है। पानी क्या, हम लोग जो इफेक्टिव ड्रेन आउट कर रहे हैं, पानी को सुखा रहे हैं, तो पंप का इफिशियंसी मान लो, जो इफिशियंसी ना देकर यहाँ दे दिया है कि दिन भर में पंप जो है 22 घंटे ही चल पा रहा है, ठीक है ना। तो 22 घंटा में जितना पानी सुखा पाए हम लोग यहाँ पे, जितना पानी बाहर निकल पाए, और पानी जो इसमें आ रहा है, पानी तो कंटिन्यू 24 घंटा तक आ रहा है इसमें, तो एक दिन में कितना पानी हम लोग यहाँ से आ रहा है और एक दिन में कितना पानी यहाँ से बाहर निकल रहा है। तो इफेक्टिव ड्रेनिंग कितना हो जाएगा, ये इफेक्टिव ड्रेनिंग जो होगा वो कुछ 18 × 10⁵ लीटर हो जाएगा। ठीक है, 18 × 10⁵ लीटर आया सभी का। ये समझ में आया हम क्या कहना चाह रहे हैं? आज तुम लोग लय में नहीं लग रहे हो ना, कि इफेक्टिव ड्रेनिंग मतलब एक दिन में इतना लीटर पानी निकल रहा है, एक तरीके से एक दिन में इतना लीटर पानी निकल रहा है। तो नंबर ऑफ डेज कितना लगेगा, कि ये पानी 72 × 10⁶ पानी यहाँ पे है, इतना लीटर पानी है, और यहाँ से 18 × 10⁵ लीटर पानी निकल रहा है यहाँ से। तो टोटल डेज कितना, एक जीरो यहाँ से 10 बच जाएगा, तो 40 दिन आ जाएगा, ये 40 डेज हो गया। किसी को डाउट है इस क्वेश्चन में, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन हो सकता है कि एग्जाम में आ जाए, जरा हटके क्वेश्चन है, सिंपल है, सोचना है, दिमाग काम करेगा तो बनेगा, नहीं करेगा, बस पहले है कि सोचना है क्वेश्चन में क्या पूछना चाह रहा है।